अब बताओ परिचित महाराज कथा कहाँ छोड़ रही थी, हम तो छाप लगाने लगे, हम सुत भूल गए। आप बताओ जो कह रहे तक तक ऊपर पांडाल के नीचे चल रही थी, कहाँ चल रही थी? और हमारा हाथ जोड़ के कहना है भैया लोगों से, जो लोग खड़े हुए हैं कृपया करके, बिछाई पड़ी हुई है, अगर आप बैठ जाए तो मान कृपा होगी। जो मेन गेट पे भैया लोग खड़े हैं कृपया करके बैठ जाए तो मान कृपा होगी। दैया बैठवे के तो कही ना देव आजकल, लेकिन लड़का का समझत भैया आजकल तो सिर्फ बाइक लेके आए, मोटरसाइकिल में बैठे वहीं से देख लो तुरंत 9-2-11। अगर भागवत सुनने आते हो तो कम से कम पांडाल में बैठ के आनंद लीजिए। महाराज आनंद का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये समझते हो कि सपना चौधरी आ जाए या हेना रानी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ भगवान की बाल लीला के वर्णन में आपको बताते हैं, आपको सिरवट कराते हैं। भैया लोग हम तो जासो कहा तुम लोग खड़े हो, लेकिन दर्द हमारे पैर मोल लोग, हमने की बैठ जा तो ज्यादा अच्छी रही है। बैठ जा लला विधायक जी, भैया बैठ जा। प्रेम से लोग भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज इधर हर गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज रुक्मिणी जो है सखियों के सामने बोलिए, सखियो तुम अपनी पिया की बड़ी लंबी लंबी बढ़ाई करती हो, जाओ मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, मैं ऐसा पिया ढूंढूंगी, ऐसा पिया ढूंढूंगी जो मेरे पिया है ना, वो तुम्हारे पिया मेरे पिया के पैर की धूल भी नहीं होगी। एक बोली जाओ जा, जब ढूंढ लियो गंगा जी को गोता तो हमसे बात करियो। बोली ढूंढ लियो ऐसे जैसे ढूंढ लियो जैसे कि भुसको भरो भाव बोरा, इतना मोटो पिया तो मिले। एक बोली जज्जी जे इतनी निकी निकी बातें कर रही जाए तो इतनो पति करिया मिले, जैसे कि नहीं डामर को धरो वो तो ड्रम तैसो मिले पिया जाए। रुक्मणी बोली है ना, मैं यमुना मैया की कसम खा के कहती हूँ कि मैं ऐसा पिया ढूंढूंगी जो तुम्हारे पिया मेरे पिया के बराबर टक्कर भी कभी नहीं ले पाएंगी। इतनी कह के बाद आज रुक्मिणी जो है महाराज अपने पिता के धाम पर जवाई है। धीरे धीरे आज बिटिया जो घर पे जवाई है तो मैया रुक्मिणी ने जैसे ही देखा, आज धीरे धीरे मिटिया जब घर में रह रही है तो मैया ने देखा है कि मेरी रुक्मिणी जो है शादी की योग हो गई है, इसके हाथ पीले किए जाए। आज महाराज दासी को बुलवाया, और इसी के बीच में हमारी बड़ी बहन सम्मानीय रचना दीदी की तरफ से 10 मुद्राएं आई हैं। और इसी के बीच में बबली जी दी की तरफ से भी 20 मुद्राएं आई हैं। कामना करूंगी लंबी आयु हो, समाज में सम्मान मिले, धन के भंडार भरते रहें, माता रानी अपनी कृपा बरसाती रहें, यही प्रभु से आकांक्षा है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज जब इतनी बात सुनी है तो आज दासी को इशारा किया कि हमारी लड़की जो है शादी की योग हो गई है, अच्छा सा घर भर देखें, बिटिया के हाथ पीले कर दें। महाराज इतनी बात जब कही है तो दासी को बुलवाया और दासी के कहा इधर आओ दासी। खुले शब्दों ने दासी ने कहा कि ये महारानी कैसे बुलाना हुआ, तो आज दासी ने इशारे से रानी से कहा है, रानी क्या बात है, क्यों बुलवाया है? रानी बोली दासी कि दासी लई बुलाई ओ कही दी समझाई बहन के जाइए कहां ओ मेरे सैया को रखिया तन करे Yeah.
शब्दों में महाराज रानी ने कहा है दासी मेरे प्रिया को बुला लाओ। आज रानी की आज्ञा को मान करके दासी जब रंग महल से महाराज भगवान की कृपा से आज जब रानी जो है सभा के बीच में पहुंची तो महाराज बीच में जैसे ही देखा है तो बीच में खड़े हो गए, कहने लगे दासी क्या बात है, कैसे आना हुआ। आज खुले शब्दों में दासी ने कहा महाराज रानी साहिबा तुम्हें महलों में बुला रही हैं और अभी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज महाराज ने देर नहीं की, अब राजा जब महलों से चले हैं सैन कच को छोड़ करके महाराज को जब आता हुआ देखा है तो रानी साहिबा ने पलंग को नवा दिया है। आज महाराज पलंग को नवाया